एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 2। अब तक कुल 30 कोरोना पॉजिटिव हुए डिटेक्ट। सांसद नकुलनाथ ने चौरी व मरवाड़ा का दौरा कर अधिकारियों को दिए जनता एवं किसानों की समस्याओं को हल करने के निर्देश। SDM ने कहा, अधिकृत जानकारी के बिना कोरोना से जुड़े तथ्य किए वायरल तो होगी कार्रवाई, 2 के विरुद्ध कार्रवाई के दिए संकेत। पैकेज फीस को लेकर निजी स्कूल संचालकों की MLB स्कूल के सभागार में हुई बैठक। लॉकडाउन पीरियड में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के हैं निर्देश। और विधायक सुनील उइके ने कहा कि नाथ परिवार का छिंदवाड़ा की जनता से लगाव किसी से छुपा नहीं। लॉकडाउन में 6 करोड़ MRI मशीन के साथ ही 63 लाख की मदद। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 हो गई है, जबकि कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 30 हो चुकी है, जिसमें 24 एक्टिव केस हैं। इस संबंध में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि उक्त व्यक्ति परासिया का है, जो कि अहमदाबाद से देवास और देवास से नागपुर होते हुए छिंदवाड़ा आया था। 2-3 दिन पहले ही अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था और टूनॉट मशीन से रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसकी आज सुबह मौत हो गई। अपने 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आए सांसद नकुलनाथ आज अपने प्रवास के दूसरे दिन अमरवाड़ा और चौरे दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कोरोना महामारी से बचने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की, साथ ही प्रवासी मजदूरों एवं किसानों के मुद्दे पर अधिकारियों से बातचीत की। सांसद द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी कोरोना से सुरक्षित रहने की बात कही गई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की अपील जनता से की। अमरवाड़ा SDM रोशन राय से चर्चा करते हुए किसानों के लिए खाद का संकट दूर करने के निर्देश दिए। नकुलनाथ से कांग्रेस विधायक राजा कमलेश प्रताप साह सहित कांग्रेस के सभी अनुषांगिक संगठनों ने तहसील कार्यालय के सामने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मुलाकात की। इस मौके पर जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, पांडुना विधायक निलेश उइके सहित सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सारे जो डॉक्टर हैं उनके अनुसार कोरोना वायरस का जो पीक है वो जुलाई महीने में आने वाला है, और मैं आपके माध्यम से, मैंने कल भी कहा था आज भी कह रहा हूँ, लॉकडाउन भले ही खुल गया हो लेकिन ये महामारी और तेजी से हमारे बीच फैल रही है। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जितना आप लॉकडाउन के समय आप सुरक्षित थे और सामाजिक दूरियां और घर पे बैठे रहे थे, वैसे ही और आने वाले दिनों में आप अपना ख्याल रखें, घर पे ही रहें, हमेशा मास्क पहने रहें। वहीं सांसद नकुलनाथ ने मानवता की मिसाल पेश की। चौरई से छिंदवाड़ा लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को देखते हुए मानवीय संवेदना की मिसाल पेश करते हुए नकुलनाथ मदद के लिए पहुंच गए। उन्होंने गाड़ी रुकवाकर घायल व्यक्ति से बात की। सर यहीं पर जैसी गाड़ी कौन से अस्पताल में डाल दिया था? SDM के हवाले से चल रही 3 कोरोना पॉजिटिवों के आने की खबर को SDM अतुल सिंह ने पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कहा कि 18 सैंपलों की रिपोर्ट में सभी व्यक्तियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, 1 व्यक्ति की सुबह मौत हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संबंध में बिना अधिकृत अधिकारी के बताए किसी भी खबर को चलाना नियम विरुद्ध है और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को कोरोना के बुलेटिन के अनुसार अब तक जिले में 30 कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है, 4 ठीक होकर घर चले गए, जबकि 24 अब भी सक्रिय मामले हैं। यहां ये बता दें कि हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में अब भी 40 मरीज भर्ती हैं और 46 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। बिना किसी तथ्य की पुष्टि हुए ऐसा खबर चलाना दंडनीय अपराध है, और भविष्य में अगर ऐसी प्रकार की कोई भी खबर बिना पुष्टि के चलाई जाती है और किसी अधिकारी के नाम पर चलाई जाती है तो यह गंभीर उसमें श्रेणी में लिया जाएगा और इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हम पुनः सभी से अपील करते हैं कि बिना प्रशासन से पुष्टि हुए कोई भी ऐसी खबर आप न चलाएं। प्रशासन नियमित रूप से आपको कोरोना से संबंधित पूरी जानकारी देता है।
जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश की अध्यक्षता में निजी स्कूल संचालकों एवं प्राचार्यों की बैठक शासकीय एमएलबी विद्यालय के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें सभी स्कूल संचालकों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। बुधवार को आयोजित इस बैठक में जिले के 15 बड़े निजी स्कूलों ने अपनी फीस को पैकेज के रूप में बताने के कारण हुई, जिसमें उन्हें अपनी निर्धारित फीस को अलग अलग मदवार बताने के लिए शनिवार तक का समय दिया गया। जिला पंचायत सीईओ नागेश ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार 3 महीनों के लॉकडाउन पीरियड में शैक्षणिक संस्थाएं सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। निजी संचालकों से बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरगड़े और सहायक संचालक लक्ष्मण तुरनकर सहित 15 निजी विद्यालयों के संचालक मौजूद रहे। लगभग कोरोना काल में लगभग 3 महीने के आसपास जो शैक्षिक सत्र प्रभावित हुए हैं, इसमें प्राइवेट शैक्षिक संस्थान भी केवल ट्यूशन फीस की ही राशि लेंगे, इसके जगह जितने भी बाकी उनके प्रशिक्षण के कंपोनेंट होंगे उसके किसी भी तरीके से फी जो है वो बच्चों से या कि पेरेंट्स से लेने का ना रखें। इस तरीके के स्पष्ट निर्देश इन सारे संस्थाओं के जो मुखिया आए थे उनके साथ किए गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का छिंदवाड़ा की जनता से लगाव किसी से छुपा नहीं है, और यही वजह है कि हर मुश्किल घड़ी में कमलनाथ और उन्हीं की राह पर चलते हुए उनके बेटे और क्षेत्र के युवा सांसद नकुलनाथ जनसेवा में लगातार सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। यह कहते हुए जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुनील उइके बताते हैं कि वर्तमान समय को देखें तो नाथ परिवार ने 6 करोड़ की MRI मशीन के अलावा अब तक व्यक्तिगत रूप से 63 लाख रुपए जरूरतमंदों की सहायता के लिए दे चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता को मेडिकल की सबसे अच्छी व्यवस्था देने का वायदा किया, जिसे वह अब भी निभा रहे हैं। विधायक सुनील उइके बताते हैं कि कमलनाथ जी का आदिवासी भाइयों के प्रति हमेशा अपार स्नेह रहा है और जुन्नारदेव विधानसभा आदिवासी विधानसभा होने के कारण कमलनाथ जी के विशेष ध्यान का केंद्र भी रही है। यही वजह है कि 15 माह के मुख्यमंत्री काल में जुन्नारदेव विधानसभा के लिए कमलनाथ द्वारा 700 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत किए गए, जिसमें जुन्नारदेव नगर में भविष्य में बनने वाला रेलवे ओवरब्रिज, जो कि पिछले कई दशकों से जनता की मांग रही है, उसे राज्य शासन के स्तर पर स्वीकृति दिया जाना बहुत प्रमुख है। नगर निगम द्वारा MRF तकनीक अपनाकर की जा रही कचरा पृथककरण की व्यवस्था बंद हो चुकी है। स्थानीय वर्मन की जमीन में शहर के कई वार्डों का कचरा लाकर फेंक दिया जा रहा है, जिसमें गीला और सूखा कचरा एक साथ रहते हैं, जिसके कारण आवारा मवेशियों को पॉलिथीन खाते हुए देखा जा सकता है। शहर का स्वास्थ्य विभाग अब कचरा कलेक्शन में सिर्फ औपचारिकता ही निभा रहा है, जबकि वर्मन की जमीन में कुछ महीने पहले तक त्रिस्तरीय तरीके से कचरे का पृथककरण किया जाता रहा है। जुन्नारदेव नगर के वार्ड नंबर 10 पंचशील कॉलोनी के पास नगर पालिका के बगीचे में निर्माणाधीन मंगल भवन खंडहर में तब्दील होते जा रहा है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पिछले 2 नगर पालिका परिषद के कार्यकाल में निर्माणाधीन मंगल भवन खंडहर के साथ साथ कचरा घर के रूप में तब्दील हो गया है, जहां पर नगर पालिका का अनुपयोगी मटेरियल रखा जा रहा है। UDS MIT योजना के तहत बन रहे मंगल भवन का इंतजार जनता काफी समय से कर रही है, तब तक महंगे प्लान का उपयोग कार्यक्रमों के लिए करना पड़ रहा है। NHUI सौसर द्वारा तहसील के नवागत SDM दीपक वैद्य का तहसील कार्यालय में फूल देकर स्वागत किया गया, और कोरोना महामारी के चलते समस्त मध्य प्रदेश कॉलेज सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा में जनरल प्रमोशन देने की मांग की चर्चा की, जिसमें NHUI ब्लॉक महामंत्री सैयद जुबेर अली, हाशिम अली, सौसर नगर परिषद सभापति आसिफ पठान, शादाब खान उपस्थित थे। इधर शासन ने लॉकडाउन के समय में सिर्फ ट्यूशन फीस जमा करने के निर्देश दिए हैं। उधर निजी स्कूल संचालक फीस में अपनी अपनी गणित जोड़कर वसूली के मैसेज जारी कर रहे हैं। लॉकडाउन के पीरियड में जब समस्त समाज आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, उस समय ऑनलाइन पढ़ाई का बेस बनाकर अब नए शिक्षण सत्र की फीस डालने का दबाव बनाया जा रहा है। फीस के साथ ही स्कूलों ने पहले ही अपने अपने प्रशासकों की पुस्तकें मनमाने दाम में निर्धारित दुकानों से खरीदने के निर्देश जारी कर दिए थे। बताया गया है कि जिन अभिभावकों ने निजी स्कूल संचालकों की फीस का विरोध किया, तो उन्हें परीक्षा के दौरान देख लेने की बात भी की जा रही है। बता दें कि शिक्षण शुल्क का किसी भी स्कूल ने खुलासा नहीं किया है, सभी सिर्फ निर्धारित शुल्क लेने की बात कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।